कहा था कि प्रभु की योजना नहीं है कि आप पति और पत्नी अलग हो, प्रभु की योजना है कि आप मिलके रहो, आप सिर्फ प्रार्थना करो, वो 90 दिन के बाद जरूर आएगा। तो मैं डर गई कि पहले इतने करके छोड़ के गए, फिर आने के बाद पता नहीं क्या करेंगे, क्या नहीं। इन पे तो विश्वास नहीं है, अभी भी नहीं है, पर प्रभु पे विश्वास है। इसलिए फादर जी ने कहा कि 90 दिन के बाद जरूर आएंगे, वो बात मैं भूल गई। पर यहाँ आने के बाद कल नाइट जब प्रेयर था यहाँ पे, तो वो बात फिर मुझे याद आई कि यानी 3 महीने हो गए, 3 महीने यानी 90 दिन, तो 90 दिन के बाद ये आए हैं। यहाँ आने से पहले भी ये नहीं आने वाले थे, इनको हमारे घर के भाई लोग सब लोग बताए, मेरे फ्रेंड नरेंद्र भी है, उन्होंने भी वो समझाया, फिर भी नहीं, ईगो बहुत है, नहीं तो नहीं आऊँगा बोले। मैं बोली आना है तो आओ, नहीं तो नहीं, अगर भगवान की मर्जी होगी तो ज़रूर आओगे, नहीं तो नहीं। तो आज भगवान के साक्षी से 90 दिन के बाद वो आए यहाँ पे, फादर जी ने जो बोला मेरे को वचन दिया था वो पूरा हो गया है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रार्थना करो। ये मेरी बच्ची, ये बेटी को देख के हमको दुख हो गया था, प्रार्थना किया ये दोनों को। ओ देखो अभी इसका बाप वापस आया, इसलिए ताली बजा के ईश्वर को धन्यवाद दे, हाथ पकड़ के बच्चों के साथ। हालेलुया, ये पवित्र आत्मा हमारे सब कुछ करेगा। ओ इधर आके हम प्रार्थना कर जाओ। हालेलुया, इसलिए हम विश्वास से आराधना में प्रार्थना करते, आराधना में ईश्वर से प्रार्थना करते, ईश्वर हमारा प्रार्थना सुनते, जो कुछ छोटा छोटा प्रार्थना सब कुछ सुनते। इतना कितना ईश्वर को भी खुश हो गया, अभी ये परिवार एक साथ हो गया। छोटे बच्चे लड़की उसको पिता को नहीं देखा था, लेकिन अभी देखो वापस आया। हालेलुया, वही है हमारा ईश्वर, एक जो अलग है वो उसको एक करते, ये पवित्र आत्मा का काम भी वही है। हालेलुया, ये हमारा जीवन भी बदली करने के लिए, हमारा जीवन में कुछ पाप सब छोड़ के ईश्वर के पास, वो अभी उड़ाव पुत्र जैसे वापस आया था ना, देखा उस समय ऐसा हम भी ईश्वर के साथ वापस आना। हम अभी ईश्वर को हमारे बीच में लाते, ईश्वर हमारा सहायता करेगा अच्छी तरह पश्चाताप करने के लिए। स्वामी आराधना।